नौ का अंग पूर्ण अंग है, सबसे बड़ा है। नौ का अंग सबसे, नौ से बड़ा कोई अंग नहीं। नौ के बाद क्या आता बोलो? दस के किनारे पर क्या करना पड़ेगा? एक और नौ से बड़ा कोई अंग। परमात्मा कहते हैं कि मेरे से बड़ा भी इस जगत में और कोई उच्चे उच्चा भगवान गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि परमात्मा से बड़ा कोई इस जगत में नहीं है। परमात्मा से बड़ा इस जगत में कोई भी तुम्हारा नामी तिथि को भगवती का जन्म हुआ, शने शने समय बीतने लगा। श्री शिव जी महाराज कहते हैं पांच वर्ष की जब पार्वती हुई, कितने वर्ष की? पर्वत राज हिमाचल के यहाँ कन्या रूप का दर्शन करने के लिए देव ऋषि नारद पांच वर्ष की बालिका है। पार्वती जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती जी को देख करके जब लौटने लगे तो पर्वत राज हिमाचल ने कहा, नारद जी आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, आप एक काम कीजिए, मेरी बेटी का हाथ देख करके ये बताइए इसको पति कैसा मिलेगा। इसको पति बहुत बोलने की बात है, बेटी की उम्र कितनी है और पूछ क्या रहे हैं कि पति पांच साल की बेटी और पूछ रहे पति, अरे ये पूछो कि पढ़ाई लिखाई कैसी होगी और पूछ रहे पति कैसा होगा। मारा हम लोग भी किसी के घर जाए, किसी अजमान के घर, उनकी कोई छोटी लड़की हो उसकी जन्म पत्र दिखाए ना, बाकी सवाल बाद में ही करेंगे। पहले सवाल यही करेंगे कि महाराज ये बताओ घर बार कैसा मिलेगा, घर बार। आजकल तो रिवाज चल गया है लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, लड़के और लड़की की बोलो ना। मैं कहता हूँ लड़के और लड़की की कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सास और बहू की कुंडली पहले मिला लेनी चाहिए। सास और बहू की बनती है या हाँ जी ये जरूरी, बाकी तो सब। हिमाचल ने पूछा ये बताओ महाराज किसको पति कैसा मिलेगा, किसको पति कैसा मिलेगा। इसके पति की क्या बात है? इसका पति तो जगत से निराला, इसका पति तो जगत से महाराज लोग कैसे बोले त्रैलोकी का स्वामी होकर के स्वयं नंदा रहेगा, नंद धड़ंग पलंग रहेगा, चिता की भस्मी लगाएगा, नागों के हाथ पहनेगा, कानों में बिच्छू के कुंडल पहनेगा और जगाओं का मुकुट बना के रखे, ना घर और ना ठिकाना और ना उसके माँ का पता होगा, ना उसके बाप का पता होगा, ना माँ का पता होगा। नारद जी ने बताया कि पति कैसा होगा, अगुन अमान मात हीना उदासीन सब शीना। हिमाचल ने कहा महाराज आपने बता तो दिया कि पति कैसा होगा, लेकिन ये बताओ कि क्या कभी बबूल के पेड़ पर आम लग सकता है? क्या पूछा? क्या कभी बबूल के पेड़ पर नहीं लग सकता महाराज? इतनी सुकोमल आपकी मेरी कन्या ऐसे अमंगल वेश धारी शंकर का फल। नारद जी तो इतना कह के चलने लगे, लेकिन जब नारद जी चलने लगे ना देवी पार्वती ने पीछे से नारद जी की धोती पकड़ी, बोले बाबा जी आज हम कभी एक जगह टिकते, बाबा लोग कभी एक जगह टिकते।